तो अस्सलाम वालेकुम, आप लोग को मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। अभी सुबह का समय है, आप सभी को मेरे ओर से गुड मॉर्निंग। ये देखिए आज हम कितना बड़ा कढ़ाई में खाना बना रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। और मेरा घर में कोई आने वाले हैं, और देखिए हम दाल भात बना चुके हैं, और हम जल्दी जल्दी दाल भात साग बन गया है। इतना बड़ा कढ़ाई में देखें गोभी तो आलू मटर छीन का सब्जी बना रहे हैं। देखिए अभी आएगी ये लोग, ट्रेन है 12 बजे, मैंने यहाँ उतर जाएगी वो लोग, आ रही है। आप लोग गैस करिए कि कोई आ रही है मेरा घर में, थोड़ी तो फ्राई कर लेते हैं। आज सुबह से लाइट भी नहीं है और नल भी नहीं खुला, मेरा टंकी खाली हो गया है। कल हम सारा कपड़ा उपड़ा धोखा लिए हैं और नहाए, कपड़ा उपड़ा धोने टंकी सारा आदमी मैंने नहाता धोता है कभी नहीं थे, तो टंकी में पानी भी नहीं है। अभी तो नल भी नहीं खुला है, और आज मेरे घर में मेहमान भी आने वाले हैं, और हमको समझ में नहीं आ रहा पानी नहीं रहेगा तो फिर तो कुछ काम ही नहीं होगा। और अभी हम गोभी को भून लेते हैं, जब तक इधर भूंज रहे हैं गोभी को, देखिए यहाँ पे गोभी को भूंज रहे हैं, और जब तक हम मसाला का तैयारी कर लेते हैं। देखिए हम सारा मसाला को निकाल लिए हैं, लहसुन है, अदरक है, मिर्चा है, गोलकी जीरा है, हल्दी पाउडर है। अब हमें प्याज भी वो डाल देते हैं, छोटा छोटा 2 छोटी प्याज डाल दिए हैं। अब हम मेरा गोभी को भूंज रहे हैं, अब हम नदी का देखो सामान, अब हम जल्दी से देखिए सारा निकाल लिए हैं, इसको जल्दी से हम पेस्ट बना लेते हैं। देखिए अब मसाला पीस लिए, पेस्ट बना लिए हैं इसको, अगर गोभी भी मेरा भूंज आ गया। अब हम फटाफट एक एक अब आलू हम रखे थे, आलू हम धो लेते हैं जल्दी से, धो के कबाने के बाद हम मसाला को भूंजेंगे। पिज्जा वाले टोकरी में हमको मिलेगी, टोकरी में जो निकाल लेंगे जल जल्दी, हटते हैं हाथ निकाल लेंगे, जहाँ हाथ धो के कपड़ा चेंज करेगी। पानी ज्यादा नहीं खत्म करना बेटा, हम कहीं पानी कम है, हमको समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे, इतना सारा मेहमान भी आ रहे थे, आज समझ में नहीं आ रहा हमको। आज ही नल ले खुल रहा था, नल खुला का ले नहीं है, नल ले खुला नल। हम फोरन डाले हैं, पचफोरन का मसाला को मिक्स करके, हम रिफाइंड में बना रहे हैं, मसाला भून लिया है। रिफाइंड तेल से बना रहे हैं, कड़वा था कड़वा तेल खाने में यार बन जाता, इसका चम्मच था ना वहाँ नानी वहीं रहती थी ना। हाँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 2 चम्मच, हंसना पानी करेगा बेटा, किचन का मचान कर किसका ये वाला ऊपर जाने पर हाँ, तो
अच्छा ठीक होता है मसाला भून देंगे कबाब के ना आलू भी डालेंगे इसके धो के उठा लेते हैं जब तक इधर मसाला नानी का बच्चा देखिए दोस्तों इधर हम मसाला भून रहे हैं और हाँ जो मेहमान आने वाली है वो उतर गई है स्टेशन पे और वो वाला ट्रेन अभी पार होके चली गई बढ़ाकर इसी वजह से हम लोग को मालूम चल गया कि वो उतर गई है और देखिए मेरा माँ का साथ साथ ये रहती है एकदम परेशान करके धर देती है बताइए जहाँ जहाँ मेरा माँ रहेगी वहाँ वहाँ ये रहेगी हे उधर नहीं मुँह लगाने का चलो इधर भागो जाओ भाग देखिए मेरा मसाला भुंजा गया है और देखिए मसाला भुंजा गया देखिए चारों पट्टी से तेल छोड़ दिया है देख सकते हैं आप लोग और हम इसमें गोभी को ऐड करते हैं गोभी को ऐड कर दिए हैं दाल भात पालक साग पहले ही बनाए हैं अब इसमें हम आलू को ऐड करते हैं आलू को हम धो के रखते थे कितना बड़ा कढ़ाई हम पका रहे हैं कैसे पता वाला कढ़ाई में दाल बनाती हैं पिज़्ज़ा तो ये हम मिला लेते हैं और इसमें हम मटर छेनी को ऐड करते हैं मटर छेनी है उनका पापा आए थे तो उड़ीसा से लेके आए थे 7 kg मटर छेनी तो ये सब रखने से मैं थोड़ा भुआ टाइप का हो रहा था इसी वजह से हम लोग छील के सब रख दिए थे तो इतना पकाए फिर उस दिन पिकनिक में गए थे तो लेके गए थे और छील के रख दिए थे तो उतना सब लास्ट है आज ख़त्म हो जाएगा अभी ये सब के पक छिल के रखे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ रहा था पका लेते हैं इसको भून भी लेते हैं उसके बाद थोड़ा पानी डालेंगे गलने के लिए पहले इसको हम भून भी लेते हैं देखिए मेरा सब्जी हम भूंज लिए हैं इसको मटर छेनी आलू और गोभी डाल के अब हम इसमें पानी डालते हैं थोड़ा सा गलने के लिए और इसमें हम टमाटर को भी डाल देते हैं टमाटर को भी डाल दिए और हम थोड़ा सा इसमें सब्जी मसाला डालेंगे थोड़ा सा सब्जी मसाला हम डालते हैं इसमें थोड़ा सा सब्जी मसाला डाल दिए हैं इसको थोड़ा पहले हम मिक्स करते हैं चिकन का जैसा बन रहा है ना देखिए मेरा बेटी बोल रही है कि चिकन के जैसा लग रहा है अब हम इसमें पानी ऐड करते हैं गलने के लिए ज़्यादा नहीं इसमें पानी ऐड के ज़्यादा नहीं करके मोटा कढ़ाई है पानी भी छोड़ देगा इससे तो थोड़ा ही सा पानी है इतना ही डालेंगे इसको हम झाँप देते हैं चिकन मसाला डाले हैं ना सब्जी मसाला अब इसको हम झाँप देते हैं उसके बाद अब इसको हम गलने के लिए छोड़ देते हैं चलिए अब हम बाहर मैदान में ग्राउंड में जाकर बैठेंगे छत पर से साबुन लिया ना बेटा देखिए दोस्तों मेरी बहन लोग आने वाली थी यही बहन लोग आने वाली थी आ गई है अब देखिए उसका बेटा लोग भी आए हैं छोटा वाला है कुछ बोलिए छोटे साहब छोटे साहब शर्मा गए हैं और मेरी बहन और एक बहन आई है जो अभी उधर बैठी हुई है उससे हम अभी आपको मिला नहीं सकते हैं काहे कि वो बाहर में बैठी हुई है अंधेला में और आज का वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं करते यहीं करते हैं बाय बाय सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए
खुदा हाफिज़।